हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ इस आई मेकअप लुक को। और ये ग्रीन आई मेकअप लुक आज मैंने किया है, आप देख सकते हो। और ये मैंने कैसे किया है, किस पैलेट की हेल्प से किया है, ये सभी चीज़ें मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगी। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। आई एम श्योर आपके लिए आज की वीडियो भी बहुत हेल्पफुल होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं मैंने मेकअप लुक कैसे किया है। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपसे मेरी कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। और इस मेकअप लुक को स्टार्ट करने से पहले गाइस, मैं आपको इस आई शेडो पैलेट का एक रिव्यू भी देना चाहूँगी यहाँ पर। और इसके हैंड स्वॉचेस भी मैं आपको कर दिखाऊंगी कि किस तरह के इसके शेड्स हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। सो इस वक्त आप मेरे हाथ में देख सकते हो फ्रेंड्स, स्विस ब्यूटी मिडनाइट स्पार्कल ग्लिटर आई शेडो पैलेट। तो ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत पैलेट है ये गाइस। और मैं काफी टाइम से ना ऐसी ही पैलेट लेना चाहती थी जिसमें मुझे सभी ग्लिटर के शेड्स मिल जाएं, और जो भी कलर मुझे चाहिए थे वो सब इसमें दिए गए हैं। तो इसलिए मैंने इस पैलेट को खरीदा है और काफी टाइम से मैं लेना भी चाह रही थी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी पैकेजिंग की। पैकेजिंग की अगर मैं बात करूंगा, इस पैकेजिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ही लग्जीरियस पैकेजिंग लगी है मुझे इसकी। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने इसे ओपन कर लिया है। आप देख सकते हो ये है, प्लास्टिक कंटेनर में आता है ब्लैक कलर के। और इस तरीके से ये देखिए, काफी स्लीक पैकेजिंग है आप देख सकते हो। और बहुत ज्यादा हैवी नहीं है ये, वेट में बहुत लाइट वेट है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट ना आप इजीली अपने पर्स में कैरी कर सकते हो, ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी है। ये देखिए, और ये लुक भी हो जाता है, ये देखिए। तो ऐसा नहीं है कि आपके पर्स में आप इसे रखोगे और ये गिर जाएंगे ग्लिटर्स, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और सभी चीजें इसके ऊपर भी मेंशन की हुई है, सभी इंग्रेडिएंट मेंशन किए गए हैं, ये आप देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। ये देखिए, ओ माय गॉड, कितने खूबसूरत शेड्स हैं गाइस, आप देख सकते हो। और ये जो आपको थोड़ा सा खराब दिख रहा है ना, इसमें एक्चुअली मेरी फिंगर लग गई थी, तो इसी वजह से खराब हो गया था। अदरवाइज मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ही सेफ्टी के साथ मिला था, कहीं से भी कोई टूट फूट या क्रैक नहीं था। ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे से पैक होकर आया था, बबल रैप होकर आया था, तो मुझे काफी अच्छा लगा ये प्रोडक्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अब इसकी पिगमेंटेशन आपको दिखा देती हूँ, इसे ओपन कर लेती हूँ। ये देखिए, और वैसे मैं इसकी ऑनलाइन परचेज लिंक भी आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको इसकी हेल्प से एक मेकअप लुक भी कर दिखा रही हूँ कि आप आई मेकअप लुक कैसे कर सकते हो इन ग्लिटर्स की हेल्प से। और गाइस, जो मैंने आज मेकअप लुक ये किया है ना, तो आप इसे किसी भी वेडिंग फंक्शन में, किसी भी प्रोग्राम में, कहीं पर भी आप, मतलब अगर बाहर जा रहे हैं तो कर सकते हो। बहुत ईजी है इस मेकअप लुक को करना, जैसे मैंने आज ये मेकअप लुक किया है। तो आप एक बार वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा, आपको अंदाजा भी हो जाएगा और पता भी चल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको इसका एक बार हैंड स्वॉच भी कर दिखा देती हूँ, और मेकअप ट्यूटोरियल भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ आज की इस वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं पिगमेंटेशन की बात कर लेती हूँ। अगर मैं बात करूँ पिगमेंटेशन की, तो काफी अच्छी है। और ये सबसे अच्छी बात मुझे इस पैलेट की ये लगी है गाइस, कि इसमें बिल्कुल भी कोई भी वैक्स वगैरह या जेल या ग्लू का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये प्रेस ग्लिटर है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, देखिए पिगमेंटेशन आप देख सकते हो। ये देखिए, थोड़ा सा आपको प्रेस करनी पड़ेगी फिंगर, क्योंकि इसमें कोई भी वैक्स वगैरह नहीं है, तो ये थोड़ा सा हो सकता है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके साथ। ये देखिए नेक्स्ट मैं आपको ब्लू शेड दिखा देती हूं। ये देखिए फ्रेंड्स ओ माय गॉड। और मैं सभी शेड्स आपको दिखाना चाहती हूँ फ्रेंड्स, ताकि आप अच्छे से देख पाएं। और अगर आप परचेस करना चाहते हो तो बेझिझक होकर कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ये देखिए, सभी शेड बहुत ही अच्छे दिए गए हैं गाइस, इसे आप इजीली किसी भी पार्टी वगैरह में मेकअप करना चाहते हैं, कोई भी मेकअप लुक करना चाहते हैं तो कर सकते हो। ये देखिए, ये देखिए, ओ माय गॉड, आप देख सकते हो, मतलब मन कर रहा है बस अभी लुक कर दिखा दूं मैं आपको। और हाँ फ्रेंड्स, आप मेरे आने वाले टाइम में चैनल पर सभी तरह के आप लुक देख पाएंगे। मैं इस ग्लिटर पैलेट की हेल्प से सभी शेड्स आपको अपनी आईज पर लगाकर भी दिखाऊंगी, और सभी तरह तरह के मेकअप लुक कर भी दिखाऊंगी। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए बस। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इसमें टोटल 10 शेड्स आपको मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सभी तरह के शेड्स आपको मिल रहे हैं इतने कम प्राइस में, तो आपको जरूर परचेज कर लेना चाहिए इस पैलेट को। ये देखिए पिगमेंटेशन गाइस, आप खुद ही देख सकते हो। ये देखिए, एक बार मैं थोड़ा सा ऐसे कर भी दिखा देती हूँ, बहुत जल्दी उतरने वाले नहीं है ये देखिए, बहुत जल्दी नहीं उतरेंगे आपकी आईज से ये। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने आपको इसका हैंड स्वॉच भी कर दिखा दिए हैं सभी शेड्स के। टोटल इसमें आपको 10 शेड्स मिल जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर।
और इसमें गोल्डन कलर भी दिया गया है, लाइट गोल्डन भी है, डार्क गोल्डन शेड भी है। अगर किसी को सॉफ्ट सा मेकअप लुक करना है आपको, तो उसमें आप ये वाला शेड अप्लाई कर सकते हो। ये लाइट पिंक कलर जो है, बेबी पिंक कलर है आई थिंक, तो इसे भी आप लगा सकते हो। बहुत ही अच्छा लगेगा इससे मेकअप लुक अगर आप करते हो गाइज। तो मुझे ये ग्लिटर आई शेडो पैलेट बहुत ज्यादा पसंद आया है और मुझे स्विस ब्यूटी के सभी प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगते हैं गाइज, क्योंकि ये अफोर्डेबल भी होते हैं, प्लस ये बहुत अच्छे होते हैं यूज करने में, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं करते हैं आपकी स्किन पर। इसलिए मुझे स्विस ब्यूटी के सभी प्रोडक्ट आज तक जो भी मैंने लिए अच्छे लगे हैं। और एक बात बताना चाहती हूँ दोस्तों कि ये पैलेट मुझे इसलिए भी पसंद आया क्योंकि इसमें कोई भी वैक्स ग्लू या जेल टाइप जो ग्लिटर होते हैं वो इसमें कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया गया है, मुझे इसलिए भी ये पसंद आया है। और ये प्रेस ग्लिटर्स हैं, जैसा कि आपने देखा ही है, मैंने आपको हैंड स्वॉच कर दिखाए हैं यहां पर, ये देखिए। और अगर मैं इसे इन ग्लिटर्स को रिमूव करने की आपको बोलूं तो रिमूव करना बहुत ईजी है इसे, अपने आप तो ये रिमूव नहीं होंगे, बट आपने अगर इसे रिमूव करना है तो थोड़ा केयरफुली आप इसे रिमूव कीजिए। केयरफुली से मेरा मतलब है गाइस, क्योंकि आंख में नहीं जाने चाहिए इसके पार्टिकल्स, क्योंकि आप जानते हैं आंखें बहुत नाजुक होती हैं हमारी, तो वैसे भी आपको केयरफुली ही कोई भी प्रोडक्ट हो वो केयरफुली ही रिमूव करना चाहिए। और आप क्यूटिप की हेल्प से, यानी कि ईयरबड में थोड़ा सा मिसेलर वाटर ले लीजिए, उसकी हेल्प से भी आप इन ग्लिटर्स को इजिली रिमूव कर सकते हो, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। शेड्स की मैं अगर बात करूं यहां पर गाइस, तो ये आप देख सकते हो इसमें डार्क ब्लू शेड भी है, लाइट ब्लू शेड भी है, और टर्कोइज ग्रीन कलर भी है, मस्टर्ड गोल्डन जो होता है एक येलो कलर वो भी है, लाइट गोल्डन शेड है, ऑरेंज है, और लाइट बेबी पिंक शेड है इसमें, डार्क मजेंटा शेड है, पर्पल कलर का शेड है, तो सभी शेड्स इसमें दिए गए हैं, रेड कलर इसमें दिया गया है। और अगर आप कोई सॉफ्ट मेकअप लुक करना चाहते हैं तो आप ये वाला दोनों शेड्स अप्लाई कर सकते हो, बहुत ही खूबसूरत लगेंगे अगर आपको सॉफ्ट मेकअप लुक करना है तो आप वो भी कर सकते हो। और गोल्डन और रेड कलर एक ऐसा शेड होता है जो गाइस आपकी हर एक ड्रेस के साथ बहुत अच्छे से मैच जाता है, तो जैसा कि आप देख ही सकते हो इसके कलर्स की वैरायटी मुझे बहुत अच्छी लगी है गाइस, जो कि आपके हर एक ओकेजन पर आप इजीली इसे लगा सकते हो, ट्राई कर सकते हो। तो मुझे ये पैलेट बहुत ज्यादा अच्छा लगा है, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस पैलेट के साथ ये भी जरूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इसकी हेल्प से आपको एक आई मेकअप लुक कर दिखा देती हूँ कि कैसा आई मेकअप लुक मैंने किया है। सो यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों, अब मैं यहाँ पर मेकअप कर आपको दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने कलर करेक्टर लगा लिया है अपनी आईज़ पर, और ताकि मेरे जो भी पिगमेंटेशन है, डार्क सर्कल है, वो हाइड हो जाए अच्छे से। तो यहाँ पर मैं लगा चुकी हूँ कलर करेक्टर, और अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ कंसीलर, ताकि मैं अपनी आईब्रोज़ को और ज़्यादा खूबसूरत दिखा सकूँ। इसलिए मैं यहाँ पर अपनी आईब्रोज़ को डिफाइन कर रही हूँ कंसीलर की हेल्प से। आप भी गाइज आई मेकअप से पहले कंसीलर को ज़रूर अप्लाई करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद मैं पर्पल के कॉम्पैक्ट पाउडर से अपने कंसीलर को सेट कर लूँगी इस तरीके से। तो ये देखिए मैंने लगा लिया, मैं दूसरी आईलिड पर भी लगा लेती हूँ। नेक्स्ट मैं ये हिलेरी रूडा के आई शेडो पैलेट से ग्रीन कलर लूँगी और अपनी क्रीज लाइन पर लगाते हुए मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, और ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो इस तरीके से मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और आपने भी अच्छे से ब्लेंड करना है अपने आई शेडो को, ताकि इसका कलर और ज़्यादा अच्छा दिखे और कोई भी हार्श एजेस ना रहे आई शेडो में। इसके बाद मैं ये ब्लू कलर लूँगी और इसे भी मैं क्रीज लाइन पर लगाते हुए इस तरीके से ब्लेंड कर लूँगी, और इन दोनों शेड्स को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी इस तरीके से, ताकि मेरी जो ड्रेस है ग्रीन कलर की, आप देख सकते हो, इसके साथ मेरा जो आई शेड है वो बहुत अच्छे से मैच हो जाए, आप देख भी सकते हो। इसके बाद मैं कंसीलर लूँगी इस फ्लैट ब्रश पर, और इसे मैं इनर कॉर्नर्स पर लगाते हुए और अपनी हाफ आईलिड पर लगाते हुए इस तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो मैंने कंसीलर लगा लिया है अपने इनर कॉर्नर्स में भी और हाफ आईलिड पर। तो मैं इस कंसीलर को सिर्फ वहीं लगाऊंगी जहां मैंने ग्लिटर लगाने हैं, और इस तरीके से देखिए मैंने लगा लिया है। नेक्स्ट मैं इस फेस ब्यूटी के इस ग्लिटर आई शेडो पैलेट से ये टर्कोइज ग्रीन कलर के ग्लिटर ले रही हूँ, और इसे मैं अपनी फिंगर टिप की हेल्प से ही लगा लूँगी। तो आप पिगमेंटेशन देख सकते हो गाइस कितनी अच्छी है, तो ये देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है ये कलर, और ये कलर मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं इसे फिंगर टिप की हेल्प से लगा लूँगी जहाँ पर भी मैंने कंसीलर को अप्लाई किया है। पूरी आईलिड पर नहीं लगा रही हूँ, आप देख सकते हो बहुत इजी है वैसे इस लुक को करना। तो बस जहाँ भी आपने कंसीलर को अप्लाई किया है अपने फिंगर टिप की हेल्प से आप इसे ग्लिटर को लगा लीजिए। नेक्स्ट मैं ये मार्स आई शेडो पैलेट से ब्लैक कलर का शेड लूँगी, और इसे अपने इस तरीके से आउटर वी पर लगाते हुए ब्लेंड कर लूँगी। मैं इसे बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं करूँगी, बहुत ही हल्के हाथों से ब्लेंड करना है आपने इसे, ये देखिए। और एक बार और मैं इसे क्रीज लाइन पर भी लेकर जाऊँगी, तो ये देख सकते हैं मैंने लगा लिया है, और जो भी फॉल आउट हुआ है हल्का फुल्का उसे मैं इस तरीके से रिमूव कर लूँगी एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ स्विस ब्यूटी का जेल आई लाइनर, और मैं यहाँ पर गाइज विंग्ड आई लाइनर बनाऊँगी। बहुत ही स्मॉल सा विंग बनाया है मैंने,
आप देख सकते हो, ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आपको कैसा आईलाइनर पसंद है, कैसे आईलाइनर आपने लगाना है, ये आपकी चॉइस है। तो इस पेंसिल ब्रश की हेल्प से मैंने इस जेल आईलाइनर को लगा लिया है, ये आप देख सकते हो। इसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ ब्लू हेवन का काजल। और जो शेड गाइस मैंने अपनी क्रीज लाइन पर लगाया था, वही सेम दोनों शेड मैं अपनी लोअर लैश लाइन पर भी लगाते हुए ब्लेंड कर लूँगी, आप देख सकते हो। एक मैंने स्मॉल पेंसिल ब्रश लिया है और उसकी हेल्प से मैं इसे ब्लेंड आउट कर लूँगी। यहाँ पर मैंने अपनी फॉल्स लैशेस को लगा लिया है, अब मैं मस्कारा लगा रही हूँ। इसके बाद मैं लगा रही हूँ हाइलाइटर अपने इनर कॉर्नर्स में और अपनी ब्रो बोन पर। सो गाइज, ये है मेरा फाइनल लुक, आप देख सकते हो। एसेसरीज आप अपने अकॉर्डिंगली वेयर कर सकते हो। मैंने यहाँ पर मांग टीका भी लगा लिया है और मैं आपको यहाँ पर विदाउट मांग टीका भी अपना लुक दिखा देती हूँ कि कैसा लगता है ये लुक, ये देखिए। सो गाइज, ये है मेरा फाइनल लुक, आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। और पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों कि आपको मेरा ये मेकअप लुक कैसा लगा, और आगे भी मैं बहुत सारे मेकअप लुक आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में जो बेल बटन से प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर। मैं आपसे मिलती हूँ और भी अमेजिंग सी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।